हाय एवरीवन लास्टली वी हैव फिनिश्ड एलगी खाया नहीं है हम लोगों ने जस्ट एक्सप्लेन किया डिस्कस किया चीज़ों को न सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा सो सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लान किंगडम एम्फी मीन्स बोथ सो ऐसी चीज़ें जो दो प्लेस पर रह सकती हों उनको हम एम्फीबियन कहते हैं these bryophytes they can survive in water and they can survive on land and that's why these are called amphibians of plant kingdom and water is must for the fertilization agar water present nahi then inme fertilization possible nahi well bhi algae bryophyta and pteridophyta ke liye, almost water is necessary second characteristic that they are found on the most uh, moist places

and it produces male and female branches male branch is called the antheridio four and the female branch is called archegonio four antheridio four has antheridium inside the antheridium anthrozoids or male gametes are produced and inside the archegonio they have archegonium that is the female reproductive part and in archegonium they forms the ovum or egg आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी दे फॉर्म्स जयगॉट एंड दिस जयगॉट डेवलप इन टू स्पोरोट स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट फेज स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंड होता है कैमिटोफाइट पर एंड स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिविज़न होता है एंड इट फॉर्म्स स्पोर्स स्पोर्ट्स हेपलॉइड इन नेचर होते हैं एंड जब स्पोरोफाइट बर्स्ट होता है रैप्चर हो जाता है ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं एयर में एंड जैसे ही कोई सुटेबल मॉइस्ट प्लेस मिलता है दे जर्मिनेट अ नॉन जर्मिनेशन दे फॉर्म्स गैमेटोफाइट सो आफ्टर गैमेटोफाइट द फॉर्म्स स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट के फॉर्मेशन के बाद अगेन ए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का रिपीट होना इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ह्य इन दिस केस गैम स्टेज इज हेप्लॉइड वेयर आज द स्पोरोट इज्लॉयड बट द स्पेंट इन साइड द स्पोरोट दीज आर हेप्लॉइड रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल बोथ टाइप का होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होते हैं फ्रेगमेंटेशन जब भी इनकी बॉडी ड्यू टू एनी रीजन पीसेज में डिवाइड हो जाए या फ्रेगमेंट्स में कट हो जाती है तो ये नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं सो दैट मैथड इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन समाइम लीफ थिक होके कंडेंस हो जाती हैं बल्ब शेप में दैट कॉल्ड बल्बिल एंड बल्बिल एक न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन एक न्यू थैलस थैलॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है रिक्शिया मार्किशिया इनकी डोर्सल साइड पे दे हैव अ स्मॉल कप शेप स्ट्रक्चर एंड दैट कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेमा कप जेमा कप इज फॉर्म्ड इन द थेलाई एंड इट इज एबल टू फॉर्म अ कम्प्लीट प्लांट बॉडी सेक्सुअल प्रोडक्शन इनमें होता है बाई द गैमीट फॉर्मेशन दे फॉर्म्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट इट इज पॉसिबल दैट दे आर मोनोशियस और डायोशियस ऐसा हो सकता है कि मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों एक ही प्लांट में प्रजेंट हो या एक प्लांट में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रजेंट हो सो दे मे बी मोनोशियस और डायोशियस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस कॉल्ड आर्चिगोनियम विच फॉर्म्स ओवम और एग सेल वेर एज द मेल रिपोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम फॉर्म्स द मेल गैमिट दैट इज एंथ्रोजॉयड सो एंथ्रोजोइड मेल गैमेट होते हैं एंड आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट होती है आर्चिगोनियम में एक स्टराइल जैकेट प्रजेंट होती है एन एंड स्ट्राइल जैकेट दे हैव अ नेक सो थ्रो द वॉटर करंट मेल गैमिट इंटर करते हैं आर्चिगोनियम में एंड देन द फाइनरी रीचेज टू दायगॉट एंड देन सॉरी द रीचे टू द ओवम एंड देन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जाइगॉर्ड का फॉर्मेशन होता है यही जाइगॉर्ड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है दीज ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स पहला ग्रुप है लिवर रॉड्स जिसको हम हिपैटिकॉप्सिडा भी कहते हैं हिपैटिकॉपसिडा हिपैटिक वर्ड दिया गया है बिकॉज लिवर का बायोलॉजिकल नेम हिपैटिक है दैट्स व हिपैटिकॉप्सिडा सेकेंड है एंथोसिरोप्सिडा जिसको हॉर्न रॉड्स भी कहते हैं एंड थर्ड है मोसेज और ब्रायोप्सिडा। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दी हिपेटिकॉपसिडा सो जो हिपेटिकॉपसिडा होते हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है दैट मीन्स प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखता है थैलस लाइक ही स्ट्रक्चर होगा थैलस डोर्सो वेंट्रल होता है दैट मीन्स डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेस आप ईजिली देख के और पहचान सकते हैं एंड सेंटर में मिडरिप प्रजेंट होती है एंड साइड्स पे स्केल्स प्रजेंट होती हैं इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से या जमा कप से जमा कप स्मॉल कप शेप स्ट्रक्चर जो इनकी थैलस पर प्रेजेंट होता है उसको हम जमा कप कहते हैं ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाई गैमिट फॉर्मेशन गैमीट वही गैमीट होंगे एंथ्रोजोइट्स एंड द ओवम सेल ओवम दीज टू विल बी द गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट एंड इनका जो स्पोरोफाइट बनता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमिट जयगॉट से दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू फुट सीटा एंड कैप्सूल सो फुट सीटा कैप्सूल ये तीनों पार्ट्स इनके स्पोरोफाइट में प्रजेंट होते हैं एंड इनका एग्जाम्पल है रिक्शिया मार्केशिया सेकेंड इज एंथोसिरोप्सिडा एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्न रॉड्स भी कहते हैं बिकॉज ये हॉर्न जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है इनमें इनकी बॉडी है वो थैलॉइड ही होती है एंड दैट थैलॉयड बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रल दैट मीन्स इनमें भी डोसल एंड वेंट्रल सर्फेस प्रजेंट होता है बट इनमें स्केल और मिडरिप प्रजेंट नहीं होती है इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं विथ वो थैलॉइड में इम्बेडेड होते हैं समटाइम्स दे शो सिम्बायोसिस विद अदर ग्रुप्स एंथोसरॉप्सिडा का एग्जाम्पल है एंथोसरॉस एंथोसरॉस इनका एक मेम्बर है जिसके नाम पर ही इन ग्रुप का नाम एंथोसरॉप्सिडा रखा गया है And the third and last is bryopsida that these are also called mosses. So jo bryopsida hote hain inki main plant body jo gametic, gametophytic plant body hoti hai इसमें stem and leaf like structure होता है. Stem and leaf like structure आपको इसके पहले वाले दो group में नहीं दिखे, but in में present होता है. एंड इसमें दो स्टेजेस होती हैं पहली स्टेज कहलाती है प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकेंड है लीफी स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज ये स्पोर से डेवलप होती है एंड फिलामेंटस होती, होती है ये क्रीप करके ग्रो करती है एंड दिस इज ग्रीन इन कलर एंड देन इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं जो जो पहली ब्रांच स्पोर से निकलती है उसको हम प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं एंड वापस से जब प्राइमरी प्रोटोनेमा से ब्रांचेस निकलती हैं दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनेमा देन इनकी जो सेकेंड स्टेज होती है दैट्स कॉल्ड लीफी स्टेज लीफी स्टेज डेवलप होती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड इट इज अपराइट ये अपराइट होती है सिलेंड्रिकल होती है एंड इट कंटेन्स स्पायरली अरेंज लीफ वो स्पायरल अरेंजमेंट होता है लीफ का वो प्रेजेंट होती है लीफी स्टेज में इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इन द लीफी स्टेज इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली एंड सेक्शुअल बोथ मैथड से होता है वेजिटेटिव मैथड फ्रेगमेंटेशन एंड बाई द सेकेंड्री प्रोटोनिमा सेकेंड्री प्रोटोनिमा से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन इन द ब्रायोफाइट एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेम दे विल्सो फॉर गैमीट दैट मीन्स द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट एंड आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन जयगॉट सॉरी फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड देन जयगॉट फॉर्मेशन फ्रॉम द जयगॉट इस पोरोफाइट

नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस ब्रायोफाइटा इज़ द इम्पॉर्टेंस और यूजेज ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या ये ब्रायोफाइट्स के कोई यूजेस भी हैं सी हार्म तो अब तक कोई ब्रायोफाइट का रिपोर्ट नहीं हुआ है सो so मोस्टली ये बेनिफिशियल ही हैं बट इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं सबसे पहला बेनिफिट है दैट वेन एवर देर इज़ अ रॉकी सरफेस कोई भी अन बैरन प्लेस है या रॉक सरफेस है एक्सपोज बेयर रॉक सरफेस वहाँ पे अगर कोई भी पहली प्लांट स्पीशीज कॉलोनाइज करती है एंड दैट इज ब्रायोफाइटा सो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट्स बाय द मॉसेस और द ब्रायोफाइट्स ऑन रॉक्स एंड जब रॉक्स पे ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे तभी सॉयल फॉर्मेशन होता है इट ऑल्सो प्रिवेंट सॉयल एरोजन दे कंबाइंस विद द लाइक ऑल्सो स्फेगनम स्फेगनम होल्स और इट कैन रिटेन वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट ये स्टोर करता है दैट्स वाई इसको ट्रांसशिपमेंट में यूज़ किया जाता है इस्फेगनॉल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज़ जो भी स्किन डिजीज हो जाती हैं उसके ट्रीटमेंट में स्फेगनॉल यूज होता है इस्फेगनॉल इज अ केमिकल विच इज़ ऑप्टेंड बाई द स्फेगनम सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा दिस डिविज़न इज़ ओवर हेयर होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं इफ़ देर इज़ एनी डाउट और कन्फ्यूज़न फील फ्री टू आस्क टिल देन थैंक यू